अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के शोबे में तरक्की के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर में 2012 में इस्टेब्लिश की गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का शुमार पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर की टॉप क्लास आईटी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। आईटीयू के ग्रेजुएट्स की जॉब एम्प्लॉयमेंट रेशो 99% है, यानी आईटीयू से पास आउट करने के बाद 99% ग्रेजुएट्स को जॉब्स मिल जाती हैं। आईटीयू में अंडर ग्रेजुएट बीएस प्रोग्राम्स, एमएस और पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। इन प्रोग्राम्स में एडमिशन साल में सिर्फ एक बार समर में होते हैं। आईटीयू के फॉल एडमिशन्स 2021 का आगाज हो चुका है। ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीएस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी और बीएस इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस। इनके अलावा एमएस प्रोग्राम्स में डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट स्टडीज़ और एग्जीक्यूटिव एमबीए ऑफर हो रहे हैं। और पीएचडी प्रोग्राम्स में पीएचडी कंप्यूटर साइंस और पीएचडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफर होती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी एचईसी से रिकग्नाइज्ड है और पीईसी और एनसीईएसी से अक्रेडिटेड है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में हर डिग्री की 80-80 सीटें हैं और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में हर डिग्री की 60 सीटें हैं। तमाम सीटें मेरिट बेस्ड हैं और इनमें किसी किस्म की कोटा या सेल्फ फाइनेंस सीट्स नहीं हैं। बीएस कंप्यूटर साइंस में वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल, आईसीएस या ए लेवल्स किया हो। बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए स्टूडेंट ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हो, डीएई और ए लेवल्स विद मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एफएससी प्री इंजीनियरिंग के साथ ऐसे तलबा भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फिजिक्स के साथ आईसीएस किया हो। और बीएस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी और बीएस इकोनॉमिक्स में तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हो। ऐसे तलबा जो 2021 में इंटरमीडिएट कंप्लीट करेंगे तो वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को मैट्रिक और एंट्री टेस्ट की बेसिस पे प्रोविजनल एडमिशन दे दिया जाएगा। एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स के मैट्रिक में मिनिमम 60%, इंटरमीडिएट में 60% और आईटीयू एडमिशन टेस्ट में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। आईटीयू एडमिशन टेस्ट की जगह सैट 2 का स्कोर भी यूज़ किया जा सकता है। एडमिशन के लिए टेस्ट आईटीयू के कैंपस में कंडक्ट होगा। टेस्ट 2 घंटे का होता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है। टेस्ट में टोटल 100 एमसीक्यूज आते हैं। टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और इसके टोटल मार्क्स 100 होते हैं। बीएस कंप्यूटर साइंस के एंट्री टेस्ट में इंग्लिश के 20, एनालिटिकल के 30, मैथमेटिक्स के 40 और फिजिक्स के 10 एमसीक्यूज आते हैं। बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टेस्ट में 10 एमसीक्यूज इंग्लिश के, 20 एमसीक्यूज एनालिटिकल के, 30 एमसीक्यूज फिजिक्स के, 30 एमसीक्यूज मैथमेटिक्स और 10 एमसीक्यूज केमिस्ट्री के होते हैं। बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट में इंग्लिश के 10, एनालिटिकल के 20, फिजिक्स के 35 और मैथमेटिक्स के भी 35 एमसीक्यूज आते हैं। बीएस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के एंट्री टेस्ट में जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल के एमसीक्यूज आते हैं। और बीएस इकोनॉमिक्स के एंट्री टेस्ट में मैथ्स, वर्बल, जनरल नॉलेज और इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज आते हैं। आईटीयू में एडमिशन के लिए आईटीयू एडमिशन टेस्ट और सैट के अलावा कोई और एंट्री टेस्ट जैसे कि ईकैट या नेट वगैरह एक्सेप्टेबल नहीं है। जिन स्टूडेंट्स के मैट्रिक या इंटरमीडिएट में 60% से कम मार्क्स हैं तो वो एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मेरिट फार्मूला में एकेडमिक बैकग्राउंड की 50% वेटेज और आईटीयू एडमिशन टेस्ट या सैट की 50% वेटेज होती है। ये फार्मूला इस साल चेंज हो सकता है। ग्रेजुएट यानी एमएस प्रोग्राम्स में मेरिट फार्मूला इस तरह है कि एकेडमिक बैकग्राउंड की 40% वेटेज, आईटीयू एडमिशन टेस्ट की 40% और इंटरव्यू की 20% वेटेज होती है। आईटीयू के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स कुछ इस तरह से हैं कि बीएस सीएस का मेरिट 86.23% पे क्लोज हुआ, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 62.76%, बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 80.97%, बीएस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी 61% और बीएस इकोनॉमिक्स का 60.43% पे क्लोज हुआ। तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की फर्स्ट सेमेस्टर की ट्यूशन फी 82,500 रुपये है और यूनिवर्सिटी चार्जेस पहले सेमेस्टर के 24,000 रुपये और बाकी सेमेस्टर्स के 20,000 रुपये हैं। आईटीयू में मुख्तलिफ किस्म के स्कॉलरशिप्स भी ऑफर होते हैं जिनमें एडमिशन होने के बाद अप्लाई किया जा सकता है। आईटीयू में एडमिशन्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की डेडलाइन 25 जून है और आईटीयू के ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन टेस्ट 3 और 4 जुलाई को होंगे और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए 9 से 12 जुलाई तक टेस्ट होंगे। सैट की बेसिस पर अप्लाई करने वाले तलबा के लिए सैट स्कोर सबमिट कराने की लास्ट डेट 14 जुलाई है। पहली मेरिट लिस्ट 27 जुलाई को डिस्प्ले होगी।
अप्लाई करने का प्रोसीजर ऑनलाइन है, ITU के ऑफिशियल वेबसाइट के इस लिंक से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। अप्लाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ITU में हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और तलबा को किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी नहीं दी जाती। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की क्लासेस सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक चलती हैं। लेट एडमिशन की सूरत में स्टूडेंट के एग्रीगेट में से पर ईयर के हिसाब से 2% डिडक्शन होती है। यानी अगर किसी स्टूडेंट ने इंटरमीडिएट 2020 में किया हो और वो एडमिशन 2021 में ले रहा हो तो उसके टोटल एग्रीगेट में से 2% डिडक्शन होगी। ITU के एडमिशन्स के हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनके दिए गए UAN नंबर या ईमेल ID के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। ITU के एडमिशन शेड्यूल या एडमिशन प्रोसेस में किसी भी किस्म की तब्दीली या अपडेट के सिलसिले में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा।